पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन जोरदार टाळा आपल्या सगळ्यांच्या नक्कीच व्हायला हव्या. तुम्ही तहे दिल से विजय जी सर का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे इतना बड़ा परिवार दिया है. इतना अच्छा लग रहा है मुझे. मैं बहुत सुना है ब्रह्मपुरी महोत्सव के बारे में और विजय जी से शिकायत यह है कि सर इतना देर क्यों लगा दिया बुलाने में आपने मुझे. पर बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए. अभी मैं बोलता रहूंगा सर से कि जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे ब्रह्मपुरी के लिए आप बुलाते रहे. मैं इस परिवार का हिस्सा हूं. मैं तो जब आया यहाँ पे ब्रह्मपुरी में सबसे पहले मैं स्कूल में गया जो पोदार स्कूल बनाया है और मैं वहां पर बैठा देख रहा था कि कितना कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर है. स्कूल सब चीज इतनी खूबसूरत थी. मैं खुद स्कूल बनाने में लगा हूँ अलग अलग जगह स्टेट्स के अंदर और मैं उनसे बैठा वही चीज पूछ रहा था सर कितना टाइम लगा कैसे यू नो सारा ऑपरेट होता है. तो इस सीखने का बहुत कुछ मिलता है खासकर ऐसे लीडर्स से. ऐसे आज ये भाई आपसे ये वादा करता हूं कि कभी भी यहां पर ब्रह्मपुरी में किसी को भी एजुकेशन की या फिर मेडिकल की या जॉब की या कोई भी जो भी आप काम करते हैं आप मुझे बिना मुझसे पूछे उसका हिस्सा बनाइए. मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा इसके अंदर और मुझसे जो भी बन पाएगा मैं करूंगा. और मैं नहीं चाहता कि कभी भी ब्रह्मपुरी में कोई बंदा शिक्षा के बिना रह सके किसी को मेडिकल की कोई तकलीफ आ पाए. आप कभी भी बुलाएं. मैं विजय जी सब एक परिवार ही हैं. हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे और एक ऐसा एग्जांपल सेट करेंगे कि तकलीफ कहीं पे भी हो लेकिन ब्रह्मपुरी में कभी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि वहां पर यू नो एक ऐसा नाम है जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है. मैं अपने बारे में ये कहना चाहूंगा कि मैं खुद नागपुर से पढ़ाई किया. मैंने इंजीनियरिंग की और पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा कि एक इंजीनियर बना वही तो बनने आया था इस शहर में. और फिर एक्टिंग का थोड़ा सा मुझे कीड़ा काटा और मैंने बोला कि चलो मुंबई जाते हैं. मैं जानता नहीं था किसी को मुंबई में और पहली दफा जब मुंबई में आया सो मुझे लगा कि यहाँ पर मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करने आया हूँ. एक मशहूर एक्टर बनना है. लोग नाम से आपको जानने लगे. फिल्म्स करें आप अलग अलग. तो वही जिंदगी का लक्ष्य था. फिल्में की भी बहुत सारी भाषाओं में की. तमिल तेलुगु कन्नड़ा अमराती चाइनीज हॉलीवुड सब फिल्में की. और मुझे लगा कि यार यही तो करने आया था इससे ऊपर क्या है. लेकिन आप विश्वास मानिए कि मैं अपने जिंदगी में करीबन 100 फिल्में की होंगी. अलग अलग किरदार निभाए होंगे लेकिन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो किरदार था वो मैं 2 साल पहले मुझे मिला करने को जब कोरोना शुरू हुआ और मैं आम जनता से जुड़ा. वो मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट किरदार था और उस फिल्म को ऊपर वाला डायरेक्ट कर रहा था. और मैं हर रोज मेरे माँ बाप नहीं है लेकिन मैं हर रोज जहां पे भी है उनसे यही एक दुआ करता हूं कि माँ बाप चलता रहे हमेशा मुझे सिखाता रहे. गलतियां करूंगा लेकिन सीखूंगा लेकिन ये किरदार चलता रहे क्योंकि इसमें ना तो हमारी फिल्म होती है लाइट कैमरा एक्शन के आस पर घूमती है. ना तो इसमें लाइट थे ना तो कैमरा था सिर्फ एक्शन था. और मुझे याद है कि जब मैं पहली दफा उन 350 लोग जो कर्नाटका की तरफ जा रहे थे उनको भेजा और मुझे लगा कि शायद मेरा काम खत्म हो गया उन 10 बसों को भेजने से. और जब मैं वहां थाने से अपने घर अंधेरी आ रहा था तो रास्ते में लाखों की गिनती में जो मजदूर खड़े थे और मैं जब उनको देख पा रहा था तो मेरे जैसे आपकी फिल्म में हर चीज स्लो मोशन में हो जाती है तो मेरी जिंदगी स्लो मोशन में हुई कि ये लाखों लोग जो अपने बच्चों के साथ खड़े हैं इनके माँ बाप जो बिहार यूपी झारखंड अलग अलग स्टेट्स में उनका इंतजार कर रहे हैं अगर ये बच्चे उन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो सोचिए क्या होगा. कल हम भी उनकी जगह पर हो सकते हैं. और मैंने उस समय अपने आप से एक वादा किया कि जब तक देश का आखिरी मजदूर जहां पे भी देश के किसी भी कोने में किसी भी राज्य में फंसा होगा जब तक उसको घर नहीं भेजेंगे तब तक थमेंगे नहीं. और पता ही नहीं चला कि कब करीबन 7.5-8 लाख लोगों से जुड़ पाए और उनको घर भेज पाए. मुझे यू नो अपनी मदर की मेरी माँ की कही हुई लाइनें याद आती हैं. मुझे वो हमेशा कहा करती थी कि सोनू कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो. ये मुझे लगता है हर किसी की जिंदगी का एक
एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर इंसान सोचता है कि यार मैं मदद कब करना शुरू करूंगा, जब मैं बहुत पैसे कमा लूंगा या बहुत मैं फेमस हो जाऊंगा, बहुत लोग मुझे जानने लगेंगे या मैं बहुत जिंदगी में बड़ा आदमी बनूंगा उसके बाद मैं मदद करना शुरू करूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी की मदद करने के लिए, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए ना तो आपको पैसे चाहिए, ना तो आपको शोहरत चाहिए, ना तो आपको ओहदा चाहिए, सिर्फ जुनून चाहिए और आप किसी तरीके से उसको समय दे पाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं लोगों को घर भेज रहा था तो मेरे साथ मैक्सिमम जो लोग आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग हैं जो बहुत ही गरीब परिवारों से थे, 100-150-200 रुपए की दिहाड़ी लेते थे, यूपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, कलकत्ता, कोई भी राज्य में बात करें। जब मैं उन लोगों से जुड़ा और हमने वापस लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की तो ये लोग थे जो साइकिल्स पे उठा उठा कर, बसेस पे उठा उठा कर लोगों के घर पहुंचा रहे। तो लोग कैसे जुड़ने शुरू हुए, क्योंकि उनके अंदर जुनून था। और आज जब मैं आप लोगों को देखता हूं और जब मैं विजय भाई के सब किस्सों के बारे में सुनता हूं तो मुझे वही वाली एक फीलिंग यहां पर आती है कि ये वो जगह है जहां पर एक अलग तरह की एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक सोच है, एक दिशा है। और मैं हमेशा मानता हूं कि अगर लोगों को आपसे कोई उम्मीद नहीं है तो आपकी जो जिंदगी है बहुत अधूरी है। तो इसलिए उसके लिए कोशिश कर सका है, ये जरूरी नहीं है कि आप उस तक मदद कितनी पहुंचा पाएंगे या उसकी कैसे जिंदगी बदल पाएंगे, लेकिन ये जरूर होना चाहिए सामने वाले ने कि यार मेरे लिए उसने कोशिश जरूर की। तो आप कोशिश जरूर करते रहेगा, फिर देखिएगा ऊपर वाला आपको अपने आप जो है वो ताकत देनी शुरू करेगा कि आप खुद ब खुद लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। आज मुझे याद है कि जब मैं दबंग फिल्म कर रहा था तो उसके अंदर सलमान खान मुझे एक बार खाने के लिए लेकर गए, और सलमान खान पूना के पास हम लोग शूट कर रहे थे, थैंक यू, पूना के पास हम लोग शूट कर रहे थे और वहां पे भाई एक जगह वहां पे रात को खाने के लिए ले गए। तो सलमान ने मुझसे पूछा कि सोनू यार तू बड़ा लंबा है, तू कार में कंफर्टेबल तो है ना? तो मैंने बोला क्या ना सलमान, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो वो बड़ा हंसा के था, डायलॉग तो बड़ा जबरदस्त है, इसको पिक्चर में यूज करते हैं। और अगले दिन हमने वो फिल्म में डायलॉग यूज किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। और मैं आप लोगों से सबसे ये कहना चाहूंगा कि हर रोज आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं स्कूल में भी जब बच्चों से बात कर रहा था या लोगों से बात कर रहा था तो लोगों को कई बार बहुत लोगों को कामयाबी जल्दी मिलती है, कई लोगों को नहीं होती। मैं कुछ भी उधर भी जब बैठा था कई लोग मुझसे बात कर रहे थे, तो मैं सब आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप डटे रहें, आप मेहनत करते रहें। तो क्योंकि किसी ने खास कहा है ना कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि जब घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। तो इसलिए हौसला रखना और लगे रहना। मैं आप लोगों से बस इतनी सी विनती करता हूं कि आप हमेशा याद रखें कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। तो इसलिए लगे रहें, क्योंकि आपके पास आप बहुत ही लकी हैं, बहुत ही आप, मैं कहूंगा कि आपके पास विजय भाई जैसे एक मार्गदर्शक हैं जो आपको बता सकते हैं कि जिंदगी में आगे कैसे करना है, क्या करना है और कैसे कामयाबी और कैसे दुआएं कमाई जा सकती। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम शहर, बहुत कम राज्य, बहुत कम ऐसी स्टेट्स होती हैं जहां पर ऐसे लोग आपको गाइड करने वाले होते हैं। और आज मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि आज मैं इस ब्रह्मपुरी महोत्सव में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस परिवार का हिस्सा बहुत सालों से था, थोड़ा सा वक्त लगा आने में, लेकिन अभी ये वादा है कि मैं वापस आता रहूंगा आपके साथ, इस कार्यक्रम को और भी कमाल का बनाता रहूंगा और साथ में मिलके लोगों की जिंदगियां बदलेंगे, लोगों के चेहरों पे मुस्कान लेके आएंगे। और विजय भाई आज पूरा ब्रह्मपुरी आपके साथ, आज पूरा परिवार हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है। बस यही कहूंगा कि आप सर आवाज दीजिएगा, सोनू सूद आपको हमेशा हर किसी के लिए 24 घंटे 365 आखिरी दम तक खड़ा हुआ मिलेगा सर। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू, और हमेशा खुश रहे और ईश्वर आपके सबके सपने पूरा करता रहे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा जी, वो हम दोनों की तरफ से है,
आपने जो कहा था सर कि जो किस्मत की बात कही थी आपकी माताजी ने जो कहा था वो उस पर यह डायलॉग बिल्कुल सही होता है कि यूं ही नहीं बनते बुलंदियों के शिखर, या जीवन का एक हिस्सा दांव पर लगाना पड़ता है। लाखों करोड़ों लगाने से कारोबार नहीं चलता जनाब, यहाँ लोगों के दिलों में जगह बनाना पड़ता है। और आपने कोरोना काल में ऐसी ही जगह पूरे भारतवासियों के दिल में जरूर बनाई है, ऐसा मेरा मानना है। और सर उस वक्त एक चीज और कहूंगा, उस वक्त मैंने आपको एक मैसेज किया था कि थैंक यू सो मच फॉर द वर्क विच यू आर डूइंग, वो आपने कभी सीन नहीं किया। आज प्रत्यक्ष आपको बोलने का मौका मिला, इस मौके को मैं गवाना नहीं चाहता था और मैंने बोल दिया है। सर थैंक यू सो मच फॉर व्हाट एवर यू आर डूइंग एंड वी आर ऑल्सो फ्रॉम नागपुर, सो लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नागपुर एज वेल एंड थैंक यू सो मच टू यू एज वेल सर। थैंक यू सो मच। और सब वहां पे जहां पे भी है वहां से भैया जी स्माइल, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सोनू सूद जी। अगर मैं आपने बहुत सही कहा, चार शब्द मैं कहता हूं, जिंदगी में जीतना जरूरी नहीं, जिंदगी में हारना भी जरूरी नहीं, जिंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। तो खेलते रहिए, बहुत अच्छा मैसेज सोनू सूद जी ने दिया, धन्यवाद।